सबकी फटेगी। फराज सर सबसे पहले जानना चाहेंगे सबकी फटेगी और मल्लिका और तुषार, मल्लिका ने काफी जितनी भी फिल्में की हैं लीड रोल किया और हिट अपने आप को हिट मतलब किया, पूरी फिल्म को हिट बना दिया, तुषार सर की अपनी फैन फॉलोइंग, तो क्या कहेंगे दोनों कैरेक्टर्स के बारे में और इस भू के बारे में कितने फिट थे ये दोनों? आपके सवाल में ही जवाब है कि इतनी हिट एक्ट्रेस और इतने चलने वाले और फैन फॉलोइंग वाले एक्टर को मैं लूँगा क्यों नहीं लूँगा। और हमारा एसोसिएशन बहुत पहले से है, हम लोग ने बहुत सारी फिल्में की है, मैंने डबल धमाल कितनी सारी फिल्में मल्लिका के साथ की है, गोलमाल सीरीज़ तुषार के साथ की, और ये जब कहानी में किरदार और ये बैठ गए एकदम करेक्ट तो दैट वाज द नेक्स्ट ऑब्वियस स्टेप कि उनको ही कास्ट करना था और मेरी विश लिस्ट पूरी हो गई। मल्लिका कभी नागिन कभी कुछ जब भी हमने देखा था जो ओम पुरी साहब के साथ फिल्म थी, आप जितने भी करेक्टर कर रहे हैं सबसे ऊपर अपने आप को रख रहे हैं और पूरी फिल्म अपने बल पे पूरी लीड कर लेते हैं और इस मूव में भी हम देख रहे हैं कि आप एक लीड मतलब कर रहे हैं, तो इसकी सफलता के लिए भी हम शायद देखेंगे वेब सीरीज पर, क्या आपको ही पूरा श्रेय जाता है? नहीं 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 प्लीज़ देखिए, ये मैं बू की कास्ट जो है उसमें तुषार कपूर हैं, संजय मिश्रा हैं, कृष्णा अभिषेक, इकू शारदा एंड आई एम जस्ट अ पार्ट ऑफ द कास्ट, सो इट्स एन एंसेंबल कास्ट, आई एम प्लेइंग जस्ट वन कैरेक्टर इन द सीरीज, सो इट्स नॉट दैट आई एम कैरिंग द सीरीज। हमेशा ही मैम अलग अलग टाइप के कैरेक्टर हर मूवी में, कभी किसी में भूत कभी किसी में नागिन, को ऐसा मतलब किससे लगता है या फिर डायरेक्टर को? आई थिंक मैंने कभी हॉरर कॉमेडी जॉनर नहीं किया, भूतनी का किरदार तो कभी निभाया ही नहीं, तो जब ये अपॉर्चुनिटी आई तो लगा व्हाई नॉट। मैम दोनों के लिए एक साथ जब मतलब हॉरर भी कॉमेडी भी करके आपको कैसा लगा? मेरे लिए एकदम नया जॉनर था ये, बहुत मज़ा आया। तुषार क्या कहेंगे मल्लिका के बारे में, क्या सारे कैरेक्टर ऑफ द सेट्स भी डरते रहते थे या नहीं, क्या कॉमेडी चलती रहती थी? क्या नहीं, बहुत ही काम, बहुत ही मतलब मुझे तो लगा बहुत ही क्वाइट थी, बहुत ही मतलब सबके साथ स्वीटली आके बैठ जाती थी, फिर आई थिंक वो अपना जो भी स्नैक्स हेल्दी खाना जो खा लेती थी थोड़ा बहुत, बहुत ही मतलब आई थिंक वो कैरेक्टर में ही थी शायद, वो शी वाज सो सीरीन एंड शी वाज सो काम, लेकिन वेरी फ्रेंडली एट द सेम टाइम, आई थिंक सबके साथ घुल मिल जाना और बहुत पंक्चुअल है, तो डराती थी इस वजह से थी कि अरे यार मल्लिका आ गई सेट पे, अब हम लोग अभी भी बाल बना रहे हैं, वो ये होता है मेरे साथ प्रमोशन के टाइम पे तो रोज़ होता है कि वेयर आर यू मल्लिका इज ऑलरेडी हियर, आई सेड आई एम लाइक ओके ठीक है हीरो को भी थोड़ा टाइम दे दो, बट अदरवाइज डज इट लुक लाइक शी कैन स्केयर यू, शी सो स्वीट, यू कैन सी इट, सर आपके फैन फॉलो जितने, शी कैन ब्लो योर माइंड अवे। सर तुषार आपके जो फैन जो हैं काफ़ी नाराज रहते हैं, बहुत कम आप मतलब फिल्में और जितनी वेब सीरीज जब लाड लेकर आए हैं, काफ़ी इतना डिले इतना नाराज क्यों करते हैं? वो मेरे हाथ में नहीं, आई थिंक मैं डिलिबरेटली थोड़ी ना डिले करता हूँ, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं 4-5 फिल्में करता साल में, लेकिन अच्छी स्क्रिप्ट भी तो आनी चाहिए और फराद भाई भी साल में एक दो फिल्में ही कर सकते हैं मतलब, और उसमें से अगर मुझे ऑफर करते तो वो मतलब आ जाऊंगा मैं दो चार बार साल में। फिलहाल ऐसा कुछ मतलब स्ट्रैटेजी या प्लान तो नहीं है कि इतने ही फिल्में करूंगा या उतने ही करूंगा। मानव का कैरेक्टर प्ले करके एक कहके सो जाना, दो कहके उठ जाना, कैसा लगा? हिट है, बहुत पसंद है, बहुत 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 मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। आई थिंक वो टाइमिंग का सवाल होता है, तो मैं उस कैरेक्टर क्रेडिट एक तो इन्होंने जन्म दिया उस एस्पेक्ट को, इस कैरेक्टर की जो एक ट्रेट है मतलब एक सोना उठ जाना, एक्चुअली मेरा फेवरेट सीन, मेरे सारे जो सीन हैं उसमें से मेरा फेवरेट सीन, वन ऑफ द फेवरेट सीन्स इज द साइकाट्रिस्ट वाला सीन जो आप शो में देखेंगे कि वो क्यों ऐसे हो जाता है उसके साथ, तो वो मेरा पहला शूट का पहला सीन था पहले दिन का, विच आई रियली इन्जॉयड डूइंग एंड मोस्ट ऑफ आई थिंक काफ़ी मतलब अच्छा निकल कर आया है। और दूसरा क्रेडिट दूंगा मैं कृष्णा और कीकू को, क्योंकि उनकी तालमेल के बगैर यू नो वो टाइमिंग नहीं मिलती, तो आई थिंक दे सपोर्टेड मी अ लॉट, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से एक 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 बोलते थे, दो 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 बोलते थे, तो इट वॉज जुगलबंदी बहुत हुई मतलब, इसलिए वो मज़ा आया उस कैरेक्टर को प्ले करने में। तुषार के बारे में आप क्या कहेंगे, कैसा लगा काम करके तुषार के साथ? मेरी पहली फिल्म जो थी वो तुषार के साथ थी, उस वक्त मैं न्यूकमर थी, बट ही वाज सो नाइस टू मी ऑन द सेट, ही इज़ अ रियल जेंटलमैन, लाइक अ परफेक्ट जेंटलमैन, मैं पूरी दुनिया घूमी हूँ, आई हैव मेट हुज़ हू ऑफ द वर्ल्ड, बट You only thing that time she said Tushar you need to become fitter and now she's saying Tushar you're too fit. He inspires me with his fitness, he disciplined hai, he inspires me. Aur us time kya hota tha, aap workout kyun nahi karte? He was just starting, I'm just starting. I'm kidding, I'm kidding. Aap se rahega ji, abhi kuch din pehle hi
पर्दे पे देखा गया था स्त्री जी, और अब जो है आप वेब सीरीज को जो है आप इस तरह से नया नाम जो दिया, मतलब क्या डायरेक्टर कोई आप लोग मीटिंग करते कि नाम कुछ ऐसा होना चाहिए कि अलग हटके होना चाहिए, वो स्त्री का लाना और आपको फटक जाएगी सब। सर जब हम लोग राइटर्स की टीम बैठी थी तो हमने बोला यार अभी इस वेब को हम क्या टाइटल दें जिससे हिट की बू आए, तो हिट की निकाल दी और बू डाल दिया और बू सबकी फटेगी टाइटल बना दिया। सर लास्ट में सॉन्ग के साथ इसको एंड करते हैं। अरे गाना कितनी बार गा, दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, दोस्त कौन यहाँ दोस्त कौन, धोखा ये रह हो जाता है। बू बू, बू।